ये लो भाई, मसूर की दाल, चने की दाल, नमक, मिर्च। बताओ कितने पैसे हो गए? तुमसे हिसाब किताब क्या करना, जो बोलोगे लिखूंगा। फिर एक किलो बेसन भी लिख लो और दे भी दो। आप भी लो। ये आ गया बेसन। नोटिस किया है? ये सलवार कमीज का कलर बहुत सूट कर रहा है तुम पे। अच्छा, हंसते रहा करो। तुम बोलो तो मैं सारे सूट इसी कलर के सिलवा लूंगा। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है, मेरा मतलब और भी बहुत सूट करते हैं तुम पे कलर्स। मतलब कौन कौन से और रंग? तुम्हें क्या लगता है, मेरे पास और कोई काम नहीं करने को? मतलब यहाँ खड़ी होकर आपकी शान में बस कसीदे ही पढ़ती रहूं? अरे बिस्किट और चिप्स नहीं दोगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी लो अभी लो। ये आ गए बिस्किट और ये आ गए चिप्स, ढेर सारे। इतने सारे? हाँ हाँ, सब तुम्हारे लिए। और कुछ? नहीं, फिलहाल के लिए इतना ही। बल्कि हाँ, कल ना मेरे लिए गोरा रंग करने वाली क्रीम जरूर ला के रखना, ओके? और कोई हुक्म? नहीं, बस इतना ही। मैं इंतजार करूंगा। Whatever. अब तक अंजी सौदा लेके नहीं आई है, कब सौदा लाएगी, कब मैं पकाऊंगी? अम्मा भी आने वाली हैं। अभी तक खाना नहीं बना, मेरे तो पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। इसको तो अगली गली पे सौदा लेने भेजो तो अभी घंटों में वापस आती। आ गई तुम, कहाँ रह गई थी? ये चिप्स कहाँ से लाई? मेरे लिए भी ले आती ना। मुफ्त की बैटरी नहीं थी, मेरे लिए भी ले आती। नाजुक लाइया। उधार पे सौदा लेने गई थी तुम, चिप्स कहाँ से आए? ये चौपा देना, मैं मेरा और भी सामान है। ये कहाँ से आया? लाई, बुलाओ मुझे भी तो। चल हट। अंजी दे देना इसे। नहीं जी जी, नहीं दे, देती हूँ मैं। बहुत हीट है, इसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। दाल साफ करो, अम्मा आने वाली है। मैंने कहा दाल साफ करो, अम्मा आने वाली है, खाना बनाना है। सुन लिया। एक तो मैं बुखार में तप रही हूँ, ऊपर से घर का सारा काम कर रही हूँ, इन नवाबजादियों के मिजाज ही नहीं मिलते। अम्मा, अंजी आ जाओ, खाना तैयार है। तारी, अम्मा को आने दे पहले, बेसब्रा। आओ अम्मा। दाल बनाई है, चावल नहीं बनाए? चावल का एक दाना भी नहीं है घर में, कहाँ से बनाती? तो पहले बताती ना, जहाँ इतना सौदा लेकर आई थी चावल भी ले आती मैं। बात सुनो, जो सौदा तुम लेके आती हो ना, वो उधार लेके आती हो, कोई मुफ्त में नहीं थमा देता तुम्हें। मेरी तो तनख्वाह आने से पहले ही उधार में चली जाती है। लेकिन तुम क्या जानो इस तकलीफ को, कभी एक रुपया तुमने कमाया हो तो पता चले ना तुम्हें। ओ ताना मत दो मुझे, अभी पढ़ रही हूँ मैं, जब मैं पढ़ लिख जाऊंगी तब ऑफिसर बनूंगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैट्रिक किया और लग गई मजदूरी करने फैक्ट्री में। अच्छा बताना जरा कि मैट्रिक में तुम्हारी क्या डिवीजन आई थी, बढ़िया ही ऑफिसर बनने वाली। मेरी बात ओ बस, सुकून से खाना खाने दो। मैं कब से आके बैठी हूँ, सुबह की थकी हुई गई खज्जल ख्वार होके घर आई हूँ, खाना खाने बैठी हूँ, दो रोटी के निवाले नहीं खाने दोगे? मेरा किसी को एहसास ही नहीं है, बेहतर है मैं चली जाऊं। नहीं खाना। अंजी बैठ, खाने से नखरे नहीं करते, खा। नहीं खाना, मैंने खा खुद। अरे शाम तक भूखी मरेगी क्या? अंजी मरी ना जाऊं मैं कहीं भूखी।
रहने दे अम्मी, कोई भूखी नहीं मरेगी। चिप्स और बिस्किट लाइए अपने लिए, चाय के साथ वही खाएगी। क्या चिप्स और बिस्किट? अरे क्या करूं मैं इसका, अरे ये चटोरी कमबख्त जाके दुकान वाले से उधार के सौदे में लिखवा के आ गई होगी। अम्मा पता है बेसन भी लेके आई है। क्या बेसन भी? अरे बेसन तो इतना महंगा है, मैं क्या करूं। अच्छा चलो तुम खाना खाओ ना, अम्मा हर वक्त चीखती रहती हो, ये तबीयत खराब हो जाएगी। खाओ अम्मा, तू भी खाए। बेसन 100 रुपए का पाव आता है। ना मैंने उसे कहा आप पे ये रंग बड़ा सूट करता है, तो मेंढक की आंखों वाला ये मान ही लिया। वैसे अंजी तुम बहुत ड्रामेबाज हो। तो सीखा किससे? आगे सुन। ओए उसका बस चले ना पूरी दुकान मेरे साथ ही कर दे, वो सारी चीजें नहीं लाती, बेसन चिप्स बिस्किट और पता नहीं क्या क्या था शॉपर में, सब मुफ्त में दिया उसने मुझे। मेरे लिए भी एक पैकेट ले आती, चाहिए तुम्हें? वो क्या? ओ जा 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 के पकड़ ले। आगे सुनो, मैंने ना उसे रंग गोरा करने वाली क्रीम भी मंगवा ली, दोनों मिलके इस्तेमाल करेंगे। मैं भी। क्यों मैं भी? अपने लिए खुद क्या करूं, कह तो रही हूं। अच्छा अंजी वो ना एक गुलाबी रंग की लिपस्टिक भी ले आना, पता है फैक्ट्री में सारी लड़कियां ना लिपस्टिक नेल पॉलिश और क्रीम लगा के आती हैं, मैं ही साबुन से धुला मुंह लेके जाती हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा कॉलेज कैसा जा रहा है? सच पूछो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, ये लड़कियां बड़ी कमीनी है, सबको अपने जैसी उसे ही दोस्ती करनी होती है। ये जितनी अमीर लड़कियां हैं उन्हें हम जैसियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जो हम जैसी हैं उन्हें तो मैं ही लिफ्ट नहीं कराती। इसका मतलब तुम भी बहुत कमीनी हो ना। हंसो ना। हाँ हूँ कमीनी, तुम देखना एक दिन ऐसा लंबा हाथ मारूंगी मैं, सब देखते रह जाएंगे, कुछ की कुछ बन जाऊंगी मैं। कभी कभी ना मुझे तुम्हारे इरादों से डर लगना शुरू हो जाता है। आज डर लग रहा है ना, कल देखना फखर करोगी। फखरा? अच्छा ऐसा क्या करने वाली हो? वक्त आने पे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। कहीं तुम उस बुढ़े दुकानदार से शादी करने का मंसूबा तो नहीं बना रही? फाखरा बड़ी घटिया सोच निकली है तुम्हारी, चलो हटो यहाँ से, मूड खराब कर दिया, उठ जगह पे बैठी है मेरी। मुन्ना हमेशा मेरे साथ सुतेलापन करते हो। तुझे उठाए हमने कचरे से था, तुझे पता नहीं? अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को। अंजीब अंजीब मेरी एक बात सुनोगी? नहीं सुनूंगी, पहले घटिया बातें करी, तेरा खुद मैं जाके रिश्ता कराऊंगी उस मेंढक की आंखों वाले से। सीमी तुम्हें और हसान को देख के मुझे बेहद खुशी हो रही है, इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकती। नई गज नया शहर, आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? थोड़ी बहुत तो हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। भाई अगर कामरान की जॉब कराची में ना होती ना, तो मैं कभी अपना घर बार छोड़कर यहाँ ना शिफ्ट होती। अरे खाला बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर ये आपको अपना शहर लगेगा। अच्छा कामरान की जॉब तो ठीक जा रही है ना, वो खुश तो है ना अपनी जॉब से? अरे नौकरी बिल्कुल अच्छी जा रही है, इनफैक्ट मैं बहुत मुतमईन हूँ। जी अगर इतने ही मतमईन है तो फिर शादी कर लें। अच्छा तुम्हारी ना करवा दे पहले। यार कैसा? खाला कैसे हैं आप? जीते रहो, बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे शफक बिल्कुल ठीक कह रही है, कामी की अब शादी हो जानी चाहिए। आइए। इरम बिचारी आखिर कब तक इंतजार में बैठी रहेगी? चीनी कितनी है अबू? बेटा एक चम्मच। तुम चीजें सर्व करो, चाय में बनाता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। अरे तुम रोल सर्व करो ना, चाय मुझे बनाना प्लीज। थैंक यू। हसान की जॉब कैसी चल रही है?
हसन आजकल जॉब की तलाश कर रहा है। मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत करके तालीम मुकम्मल की है, बस अल्लाह से दुआ है कि अच्छी सी नौकरी मिल जाए। आमीन। कॉलेज में एडमिशन होगा क्या? नहीं, कल जाऊंगी भाई के साथ। Okay. ये बताइए भाई साहब कि आप लोग हमारे घर कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह जल्द आएंगे। माँ प्लीज टेंशन मत लो, भाई आ जाएंगे। आयान तुझे जो काम बोला है वो कर जा। अर्जुन? अच्छा जी, तो यहाँ बैठ के टीवी देखा जा रहा है, तुम्हें जरा कोई एहसास है? मैं जब से स्कूल से आई हूँ ना चूल्हा झोंक रही हूँ, मेरा हाथ ही बटा दिया करो कम से कम। ओहो, तो तुम भी छोड़ दो ना, इधर आकर देखो कितना प्यारा कितना बड़ा घर दिखा रहे हैं। अच्छा, ना तुम काम करो और ना मुझे काम करने दो, जरा कोई एहसास है तुम्हें? अम्मा और आप ही थके हुए आएंगे फैक्ट्री से। मेरी दो घुटों वाली बहन, तुम्हें बहुत एहसास है ना, तो जाओ जाके चूल्हा हांडी करो, चलो चलो जाओ चलो। बहुत ढीठ हो तुम, अब जाओ जाओ के दरवाजा तो खोलो, अम्मा और आप ही आए होंगे। मेरे साथ ऊंची आवाज में बात बात क्या करो, जाओ देख लेती हूँ मैं। हुकम देती है। कौन है भाई? आ रही हूँ। अरे भाई आ रही हूँ आ रही हूँ, क्या हो गया? ओ आप आए। कैसी हो अंजी? मजे में हूँ, लेकिन आप तो शादी के बाद कुछ ज्यादा ही बेवकूफ लगने लगे। क्या बात है, लगता है बेगम ने उंगलियों में नचाया हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं अंजी। एक तो हर बेवकूफ बनने वाला अपने आप को आपकी तरह अक्लमंदी समझता है। ये क्या लाए? ये खीर है, आज पहली बार ही बेगम ने घर पे कुछ बनाया था तो वो लेकर आया हूँ। अरे वाह, पैकेट की है? अरे नहीं नहीं, घर में बनाई है। घर में? नहीं नहीं, पैकेट वाली है। नहीं नहीं, घर में बनाई है। माजिद भाई, आप तो हमेशा भोले के भोले ही रहेंगे। इस शादी होगी अब तो ऐसे ही खर्चे होंगे, अब घर में कहाँ ऐसी बनती हैं? घर में तो बड़ी मेहनत लगती है खीर बनाने में, ये तो पैकेट वाली है। बेचारी खाला, आपकी कमाई से पूरा महीना चलाती थी, अब देखना 15 दिन भी नहीं गुजरेंगे। मैं चलता हूँ, आप प्लेट्स भिजवा दीजिएगा। जाहिर है अब मैं प्लेट्स तो नहीं खा जाऊंगी ना, चलें। अरे हाय, अरे लड़की ये क्या हो रहा है? खीर, बहुत भूख लग रही है, धोना मुंह तो धो लो जाके, तब तक तुम छोड़ोगी इसे? अम्मा देख रही हो। अंजी, मिल बांट के खाकर चीजों में बरकत होती है। आप अच्छी तरह से जानती हैं मुझे मिल बांट के खाने की आदत नहीं है। सुना नहीं अम्मा ने क्या कहा? अरे सारे लेक्चर मेरे लिए है ना। हाय अल्लाह, मक्खी कसम खुदा की, वो देख मक्खी मक्खी, अम्मा ये देखो मक्खी मक्खी। का है? अम्मा देखा इसे? अरे मैं तो तंग हूँ उससे भी तुझसे भी, भाई मुझे छोड़ो, थकी हुई हूँ मैं, जाओ। अच्छा भाई साहब, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, तो हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी घर आना। अरे आपा, ये भी कोई कहने की बात है? इंशाल्लाह जरूर आएंगे, जल्दी आएंगे। खालू को मनाकर जल्दी आने की कोशिश कर। मुझे कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, अम्मी तो वैसे ही खाला से मिलने का बेताब रहती है। मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे आने का। जरूर, मैं भी आऊंगी। ओके।
हेलो, ये लड़की तो पढ़ते पढ़ते यहीं सो गई। चलो अम्मा, वो इसे छोड़ो, मेरी बात सुनो ना। हाँ तो बोलो ना, कान तो खुले हैं मेरे। बैठो। वो मैंने आपको फैक्ट्री के सुपरवाइजर के बारे में बताया था ना, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत इज्जत देते हैं मुझे। हाँ हाँ, उसके गुस्से से तो फैक्ट्री की सारी औरतें डरती हैं। अरे नहीं, वो कह रहे थे कि काम की नौयत की वजह से सख्ती दिखानी पड़ती है, वरना ऐसे नहीं है वो। वो अपने घर वालों को रिश्ता लेके भेजना चाहते हैं। क्या? रहने दो। इसलिए मना करती हूँ कि फैक्ट्री में काम करने वाले आदमियों से ना बातें मत किया करो ज्यादा। हाँ तो मैं कौन सा किसी से बात करती हूँ? अगर इतना सच्चा होता ना तो ये बात तुमसे क्यों करता, मुझसे क्यों नहीं की? बस निकाल दो ये ख्याल दिल से। ये जो मर्द होते हैं ना, जब किसी लड़की को फंसाना चाहते हैं ना, मेरा मतलब ये है कि जब किसी शरीफ लड़की को फंसाना चाहते हैं ना, तो शादी का ही झांसा देते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसी लड़कियां अपनी शादी का ख्वाब सजा के अपने माँ बाप की दहलीज पे ही बूढ़ी हो जाए। अच्छा बस, दोबारा ऐसी बात करे ना, कह देना जाओ मेरी अम्मा से बात करो। अच्छा अम्मा। से है तो लड़का अच्छा, बड़ा लिखा भी है, तनख्वाह भी अच्छी है। देखा, मुझे मना करके खुद उसके बारे में सोचना शुरू हो गई। रहने दो अम्मा, कोई ख्वाब सजाने की जरूरत नहीं है। आपकी बात मेरे दिल को लगी, वाकई सच्चा हुआ ना तो मेरा रिश्ता मांगने आएगा आपसे। चलो फिर, सारी जिंदगी इंतजार में बैठी है ना, हो चुका तुम्हारा रिश्ता। हेलो, तुम जागी हुई हो क्या? शुक्र करें कि मैं जाग रही हूँ। अब गौर से सुनना, मुन्ना से मशवरा देने जा रही हूँ, फाखरा पे कोई जरूरत नहीं उसे दूर रहने की। पागल, उससे दोस्ती बढ़ाओ, असर डालो अपना। अरे अरे, किस किस्म के मशवरे दे रही है तू, सबर। अरे अरे, भलाई का तो सवाल ही नहीं। अम्मा क्या कर रही हो, जानती हो मजाक करती है। अरे हर वक्त का मजाक अच्छा लगता है क्या? बस भलाई का जमाना नहीं है। कॉलेज ज्वाइन हो गया तुम्हारा, एडमिशन मिल गया? जी हो गया। और आपको पता है कल मेरा फर्स्ट है। अच्छी बात है। अच्छा सुनो, तुमने सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, बिल्कुल रेगुलर होना है। जाहिर है रेगुलर तो जाऊंगी, लेकिन अब जानती है ना कि मैं इतनी जल्दी मिक्सअप नहीं होती लोगों में, मुझे फ्रेंड्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। शफक, जमाने को फेस करना सीखो और मेरी बात सुनो, सहेलियां ना जरा देखभाल के बनाना, जमाना बहुत तेज चल रहा है और तुम हर किसी पे भरोसा कर लेती हो। तो आप आ जाना जल्दी से शादी होकर, फिर मुझे किसी भी सहेली की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ होंगी। अच्छा तो मतलब जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक तुम ऐसे ही हर किसी पे आंखें बंद करके भरोसा करती रहोगी? तो और क्या करूं भाई, आंखें खुली रखूं या बंद रखूं, बेवकूफी तो मैंने करनी है। भाई आ गए। क्या हो रहा है? भाभी से बातें करी, ले आप बातें करें, मैं जरा अम्मी को देखूं। मैं हेलो, क्या हाल है? आई एम गुड, हाउ आर यू? ये लोग ना सो गई क्या? देख लो, मर गई होनी। तुम बताओ क्या करी थी इतनी देर तक? कुछ कपड़े थे धोने वाले, फैक्ट्री जाने की वजह से टाइम ही नहीं मिलता, बस वही धो रही थी। ओ बेचारी। ये देखो कैसा लग रहा है। अंजीब, तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे रंग पसंद नहीं, हटाओ इसे। फैशन में था इसलिए दिखा रही हूँ, दुनिया के साथ चलना सीखो। और वैसे भी तुम अभी लड़की हो, बूढ़ी नहीं हुई।
मुझे तो हालात ने वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया। ओए हाँ, तुम्हारे रिश्ते का क्या बना? कौन सा रिश्ता? कौन सा रिश्ता का क्या मतलब? कौन से सैकड़ों रिश्ते वाले तुम्हारे आगे हाथ बांधे खड़े हुए थे? ओ भाई वही सुपरवाइजर और कौन? सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ था, सब कुछ पता है, फिर भी पूछ रही हूँ। वैसे अंजीब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आएगा। फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, हर कोई इज्जत से सलाम करता है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, गाँव में बहुत सारी जमीनें भी, और पता है उसके पास बाइक है, शहर में घर भी खरीद लेगा बहुत जल्द अपना। और तुमने सब यकीन कर लिया? भाई लड़कों की तो आदत होती है फ्लर्ट करने की। अब भला खुद सोचो, फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, और जो तुम बता रही हो, पर सोचो वहां इतनी लड़कियां, वो भी कितनी हसीन होगी, सबको छोड़कर उसने तुम जैसी आम सूरत वाली लड़की को क्यों पसंद किया, सोचा कभी? पर मैं तो बहुत खुश थी। वैसे फाखरा, इस बेवकूफी की तुमसे तवक्को नहीं थी, सोचना इस बारे में। चलो भाई लाइट बंद करो, मैं तो सोने लगूं। अपने लिए दूसरी चादर निकाल लेना। फैक्ट्री का सुपरवाइजर, गुड लुकिंग, ऊपर से गांव में जमीनें भी हैं, और ये आम सी सूरत वाली फाखरा आपी के लिए, मुझसे तो आज तक कोई ढंग का बंदा नहीं टकराया। अंजीब, सो रही हूँ मैं। एक बार बात सुन। कह तो रही हूँ मैं सो रही हूँ, अब मेरी आवाज से उसको भी उठाओगी, सो जाओ। जल्दी उठे, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, चले। ओ मेरी चाय। अरे नाश्ता तो कर लो, भूखे पेट जाओगी। मैं आपकी वजह से ना रोज लेट नहीं हो सकती। अम्मी आप मुझे वैन लगवा दें, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। हाँ, इसको वैन लगवा ही दें आप। अबू। अरे कामरान बेटा, क्यों बहन को तंग कर रहे हो, उसे कॉलेज छोड़ के आओ, जाओ। ठीक है बाबा, बाबा ने कह दिया तो तुम्हें छोड़ के आ रहा हूँ, वरना जानती हो ना बचपन में क्या किया करता था। अच्छा चलें उठे, तू तो खत्म कर लो। सुनो एक मिनट, तुम जाके गाड़ी में जाके बैठो, मैं जरा एक काम करके आ। जी नहीं, आप मेरे साथ चले ना। पे पैदल जाएंगे क्या यार, ये लड़की कितनी पागल है, बैग छोड़ के जा रही है। देखो बगैर नाश्ते के चली गई। वैसे मैं सोच रही थी कॉलेज तो इतना करीब है, अगर कुछ लड़कियों का साथ हो जाता आराम से पैदल आ सकती है। लेकिन फिलहाल तो कामरान उसको पिक एंड ड्रॉप कर ही रहा है ना। भाई सुबह तो चलो ड्रॉप कर देगा, लेकिन वापसी पे उसे ऑफिस से उठ के आना पड़ेगा ना। अरे भाई अगर मेरे पैर में तकलीफ ना होती तो मैं उसे खुद ही ले आता। चले कुछ दिनों की बात है, आपके पैर का जख्म भी ठीक हो ही जाएगा, फिर आप ही ले आया करिएगा उसे। अच्छा चाय बनाऊं आपके लिए? हाँ हाँ बनाएं। वीकेंड पे तैयार रहिएगा, सीमी आपा ने इनवाइट किया है बहुत प्यार से। हाँ हाँ जरूर, बिल्कुल। वो हसान वैसे अच्छा लड़का है। भाई आपका तो भांजा है, आपको तो अच्छा लगेगा ही ना। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें सोचती हूँ कि आजकल समझदार नेक शरीफ लड़के है ही कहाँ। मैं आपकी बात खूब समझ रहा हूँ, लेकिन शफक अभी पढ़ रही है और मैं हाल में उसे पढ़ने देना चाहिए, जब वक्त आएगा तो इसके बारे में भी सोच लेंगे। वैसे भी अभी हसान के पास जॉब भी तो नहीं है ना। हाँ सही कह रहे हैं, तो देखते हैं। लो भाई आ गया तुम्हारे कॉलेज, मैं तुम्हें 1 से 1.5 घंटे में पिक कर लूंगा, ठीक है? मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ भाई। क्यों नर्वस हो रही हो? कॉलेज है और ये जो सारी लड़कियाँ तुम्हें नजर आ रही हैं, ये कुछ चुड़ैलें थोड़ी हैं, तुम्हारी तरह की लड़कियाँ ही हैं ना। चलो जाओ ना, मुझे देर हो रही है ऑफिस से, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। ठीक है, टाइम पर आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
रही बाजी। ओए, ये बाजी किसे का है? बाजी नजर आ रही हूँ मैं तुम्हें? एक तो ये पोनी शोनी बांध के ना सब नन्नी मुन्नी बन जाती हैं। कहाँ से उठ के आ रही हो? ये कॉलेज है, यहाँ कोई बाजी बाजी नहीं चलता। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आप सीनियर हैं। नहीं आई हो, इसलिए मुझे जानती नहीं। मेरा नाम अंजुम है, उर्फ अंजी। पूरा कॉलेज जानता है मुझे। ये जो तुम लड़कियां देख रही हो ना, सब कॉपी करती हैं मेरा स्टाइल। बात करने के लिए मरती हैं मुझसे, समझी? अम्मा, कल मैंने अपने सुपरवाइजर से बात की। कौन सी बात? यही कि अगर वो वाकई मेरे साथ सीरियस है तो मेरी अम्मा से बात करो। क्या कहा उसने? बना दिया होगा कोई ना कोई बहाना। अरे नहीं, उसने कहा कि वो अब आपसे बात करेगा, अगर आपने इजाजत दी तो अपने घर वालों को भी लेके आएगा। देखो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूं मेरी बच्ची की किस्मत खुल जाएगी, इतने अच्छे घर से रिश्ता आ जाएगा। से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से उसने अभी सिर्फ अपने घर वालों को भेजने की बात की है, पर मुझे नहीं लगता कि उसके घर वाले राजी होंगे। या अगर उसके इसरार करने पर राजी होकर आ भी गए ना, तो फाखरा के लिए रिश्ता नहीं डालेंगे। तुम्हें बड़ा पता है, गैब का इल्म जानती हो ना तुम। बेटा, पूरी दुनिया देख रखी है मैंने। ये जो लड़कों की माएं होती है ना, इनकी आंखें इनके माथे पर होती है, और स्पेशली जब ये अपने बेटे की मर्जी का रिश्ता लेके जा रही हो ना, तो डिसाइड करके जाते हैं कि रिश्ता रिजेक्ट ही करके आना है। अम्मा, क्यों परेशान हो रही है? जानती नहीं है क्या इसको? दूसरों का दिल जला के इसको सुकून मिलता है। दफा कर इसे, जा जाके उपटन लेके आ और लगा। कालो, चलो अच्छा है, उपटन लगाने से इसकी काली रंगत में थोड़ी कमी आ जाएगी। इतनी भी काली नहीं है। हाँ हाँ, बस कर दे, चलो मान लेते हैं। अब कोयल और इनमें बस 19-20 का ही तो फर्क है। छोड़ो इसे अम्मा, मुझे पैसे दो, तारी को भेज के ब्लीच क्रीम मंगवाती हूँ। सुना है वो लगाने से रंग गोरा हो जाता है। जा मंगा। मैं भी लगाऊंगी। तुम काहे को लगाओगी? अम्मा, सब लड़कियां लगाती हैं, इसलिए मैं भी लगाऊंगी। एक्सक्यूज मी। अरे थैंक यू। आज आपने मिसेस अंसारी की क्लास नहीं ली ना, वो पूछ रही थी। हाँ, मूड नहीं था मेरा, मैंने इसलिए नहीं ली। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छे हैं समोसे? तुम्हें इस कॉलेज में मसला तो नहीं आ रहा ना? नहीं तो। जब से आई हो अकेली नजर आ रही हूँ, कोई दोस्त नहीं बनी अभी तक? नहीं। आपका पूरा नाम अंजुम सहर है ना? लेकिन इस कॉलेज में और घर में सब मुझे अंजी कह के बुलाते हैं। हाँ स्वीट, अंजी नाम आप पे ज्यादा अच्छा लगता है। अब मैं भी आपको अंजी कहूंगी, ठीक है? तुम्हारा क्या नाम है? शफक। पूरा नाम? शफक अता। फिर तो तुम्हें घर में सब शफक कह के बुलाते होंगे। नहीं, घर में भी सब मुझे शफक ही कहते हैं। नो निकनेम? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें निकनेम दूंगी। आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती पक्की। ताली। कितनी अच्छी हो तुम। कोइंसिडेंस, हाँ?
फाखरा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ, मैंने अपने घर में बात की हमारे रिश्ते के बारे में, और बहुत जल्द मेरी माँ और बहन तुम्हारे घर पे आएंगे। क्या हुआ, तुम खुश नजर नहीं आ रही? नहीं, पता नहीं आपके घर वाले क्या फैसला करेंगे। मैं और मेरा घर आपके काबिल है भी या नहीं? मैं अपनी अम्मा को साफ अल्फाजों में कह चुका हूँ कि शादी करूंगा तो इसी से, वरना कुआरा मर जाऊंगा। तुमने अपनी अम्मी से तो बात की थी ना मेरे बारे में? हाँ, मैंने बता दी। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जब आएंगे तो देख लेंगे। अच्छा, फिर काम करते हैं ना, तुम्हारी अम्मी से आज ही बात कर लेते, फिर तो यकीन आ जाएगा ना मोहब्बत का। मैडम, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। तो एक काम करते हैं, ये नेक काम आज ही कर लेते हैं। स्माइल। तुम्हारा घर तो उसी रास्ते पे जहाँ मेरा मोहल्ला है। लो, अब तो हम दोनों इकट्ठे आ सकती हैं। अरे वाह, ये तो मेरा मस्ता ही हाल हो गया। चलो बस ठीक है, आज तो तुम अपने भाई के साथ चले जाओ, लेकिन कल तुम मेरे साथ जाओगे, और देखना कितना एंजॉय करोगी तुम मेरे साथ। एक अलग ही दुनिया दिखाऊंगी। क्या मतलब? ओफो, क्या तुम कभी बाजार गई हो अकेली? मेरा मतलब है छोटा मोटा सौदा सिर्फ लेने के लिए। नहीं, मैं तो कभी भी नहीं गई। इनफैक्ट अम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद मैं कहीं पर भी बाहर अकेली जाऊँ। घर का सारा सौदा तो भाई लेकर आते हैं, लेकिन वो तो ये भी मना करते हैं कि अकेले कॉलेज भी ना जाओ। अब हाँ ना, देखो हम दोनों के घरों का माहौल भी एक जैसा निकला। पता है मेरी अपनी अम्मा इतनी सख्त है, क्या देख के खेलो, कहीं आने जाने देती मुझे। मोहल्ले में तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। वाकई? तुम्हें पता है अंजी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। हाथ दिलाओ। क्या? दो ना। ये आज से तुम्हारा हुआ, और ये हमारी दोस्ती की पहली निशानी है। थैंक यू। अब चलो, देर हो रही है, आज चाट खाएंगे। अच्छा, अरे कामरान बेटा, तुम आजकल रोज इतना लेट कर देते हो, एक फोन कॉल तक नहीं करते। तुम्हें कोई एहसास नहीं अपनी माँ का? अरे मेरी प्यारी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मेरी क्यूटी पाई, आई एम रियली रियली सॉरी, मैं आज भूल गया, लेकिन मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। भाई, शुक्र है आप आ गए। उफ, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था, किधर थे, इतनी देर क्यों लगा दी? अल्लाह खैर करे, अगर शफक को मुझसे जरूरी काम है ना, इसका मतलब है अम्मी के बहुत बड़ा काम है ये। जी जी बताइए। ये देखें, मेरा नया गिफ्ट है, मुझे मेरी नई फ्रेंड ने दिया है। वैसे आपस की बात है, कोई इतना खास नहीं है ये। क्या मतलब है खास नहीं है? भाई ये गिफ्ट है, और गिफ्ट स्पेशल होते हैं, और ये मेरी बहुत स्पेशल दोस्त ने दिया है। अच्छा ठीक है, चाय मिल सकती है? मैं अभी बना के लाती हूँ, तुम भाई को दो मिनट भी आराम नहीं करने देती। मैं क्यों आराम करने दूँ? आप चाय भी नहीं पियेंगे, आप पहले मुझे लेके जाएंगे। भाई अंजी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं उसका कोई भी काम दिले नहीं कर सकती। देख रही है अम्मी, अभी अभी मैं वापस आई हूँ, और मेरे साथ क्या सुलूक कर रही है? और बाय द वे, ये अंधी कौन है? अंधी? कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, उसका नाम अंधी नहीं है, अंजी है। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि ये गंजी साहिबा है कौन? आप अंजी की इंसल्ट नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अंजुम सहर नाम है उसका। अच्छा, अब मैं समझा, अंजुम सहर नाम है, तो उसका खुद क्यों नाम बिगाड़ रही हो मेरे सामने? भाई अंजी सब उसे प्यार से कहते हैं ना, और बहुत बातें कर ली हैं बाप ने, ऐसा ना हो कि मैं आपको अंदर ना जाने दूं। अरे ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक काम करो, आओ मेरे साथ अंदर चलते। नहीं, पहले मुझसे प्रॉमिस करें कि फौरन चाय पीते आप मुझे मार्केट लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना बहुत स्पेशल। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, लेकिन पहले एक कप चाय पी लो प्लीज। ठीक है, चलो अपने भाई का सामान उठाओ, अंदर लेके जाओ, बहुत मजदूरी करके आए। बिल्कुल भी नहीं। अरे इधर आओ, तुम कहाँ? नहीं उठाऊंगी मैं। तुम्हारी दोस्त अंजी गंजी जो है ना, उसके लिए फिर मैं भी कुछ नहीं लेकर आऊंगा। समझ रही हो, चाय भी नहीं पीने देती हो, अपने भाई के साथ इतना जुल्म ज्यादती।
तारी को देख लो, अभी तक आया नहीं, केले लेने गया या बनाने गया। लो आ गया। अरे वाह माँ, बड़ी प्यारी लग रही हो, क्या रंग पहना। तूने सुना नहीं कि आजकल लोग लड़की को देखने आते हैं तो पहले लड़की की माँ को देखते हैं। कह तो सही रही हो, अभी तो इतनी प्यारी लग रही हो। छोड़ो छोड़ो, तुम्हें मना किया ना, मत खाओ ये सारे, तुम खा लोगी तो मैं चाट में क्या डालूंगी। अरे मत तंग कर इसे, चल जा बाहर। और ये फाखरा का है, नजर नहीं आ रही। फाखरा अभी, वो तो पार्लर से नहीं आई अभी। जाहिर है उसका मुंह ही ऐसा, पार्लर वालों को कितना टाइम लग रहा होगा ना सजाने के लिए। चुप कर, अभी तक नहीं आई वो। तारी जा बेटा जा, जरा उसे बुला के ला, बोल मेहमान आने वाले हैं। चुप हो जाए। वैसे अम्मा आपने डिनर सेट मंगवाया? हाँ भूल गई अंजी, जरा तारी को आवाज दे, बोल पड़ोसियों के यहाँ से जल्दी से डिनर सेट पकड़ता लाए। तारी तारी, चलो निकल गया होगा वो तो, अब जितनी भी आवाज दूं अंजू नहीं कर देगा। अरे तो खुद ही जाके ले आना जी, जा। मैं तो कभी कोई काम कर लिया कर, हैडराम जा लेके आ जा। हाँ हाँ जाओ जाओ। अम्मा अगर ये कहेगी ना फिर नहीं जाऊंगी मैं। मैं भी मारूंगी इसको, मार के दिखा। बात सुनो लड़की, हमें इस पते पर जाना है। तो यूं कहना आपको हमारे घर आना है। तुम्हारे घर? तुम फाकरा हो?